कल तक सपा को कोसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा को कोस रहे हैं। जो भाजपा कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य की जय जयकार करते नहीं थकते थे, वही भाजपा कार्यकर्ता अब पार्टी के छोड़ने के बाद खुशी से मिठाई बांट रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कुशीनगर जिले के सदर विधानसभा से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए पार्टी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ते ही कुशीनगर भाजपा की अंतर्कला खुलकर सामने आ गई। जिले के भाजपा कार्यालय पर पहुंचे नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सदर विधायक का बड़ा विरोध था, हम लोगों को जवाब देना भी मुश्किल था। उनके न होने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सदर के विधायक उसी जिले उसी क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ, मेरी माता जिला पंचायत सदस्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भाजपा छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो पहले भी आयातित थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों में कभी उनका कोई विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ उनके कार्यकाल में भी घुटन महसूस करता रहा है। मुझे लगता है कि आज कार्यकर्ता ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा प्रतिष्ठा और ज़्यादा स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने को तैयार होगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी होगी। उनके जाने का कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसी भी कार्यकर्ता से पूछेंगे तो लगेगा कि आज वो एक चंगुल से आज़ाद हुआ है पडरौना विधानसभा। तो वहीं कुशीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने भी दावा किया है कि स्वामी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी चेहरे पर नहीं बल्कि विचारधारा पर चुनाव लड़ती है। मैंने कहा ना कि कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति को लेकर चुनाव नहीं लड़ती, विचारधारा की पार्टी है। विधानसभा चुनाव 2017 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक गलियारे की सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि मौर्य ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में साइकिल की सवारी करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनूप यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।